सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 10 बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन अंडर 12,000, जहां पे आपको 12,000 के अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, 6,000 एमएच का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 44W फास्ट चार्जिंग, उसके साथ साथ 8GB रैम, 256GB रोम मिलेगा, IP64 की रेटिंग मिलेगा, 4K रिकॉर्डिंग वाला कैमरा भी मिलेगा और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाले वो भी सिर्फ 12,000 के अंदर। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे एक 5G स्मार्टफोन तो वीडियो को फुल देखना, और आप अगर मेरे चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3X 5G, जो इंडियन मार्केट में काफी पॉपुलर सा एक सीरीज है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉडल मिलने वाले रियर पे, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा प्लास्टिक बैग के साथ। डिवाइस की वेट होने वाले 199 ग्राम, तो थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी तगड़ी है। और दोस्तों, इसके बाद बात किया जाए डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। डिवाइस काफी स्मूथ होने वाले। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1000 नीट पीक ब्राइटनेस मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़े है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाले, जिससे आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आप इस कैमरा से 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वीवो फर्स्ट टाइम करने वाला है। उसके साथ साथ 2MP का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8MP का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी तगड़ी है और वीडियो भी आप 4K तक शूट कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप ब्लॉगिंग या फिर कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों, ये डिवाइस कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों, ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूतु स्कोर 5,60,000 से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल सा एक चिपसेट मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देगा। तो दोस्तों, इस डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हाई लेवल की गेम आप इस डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बात किया जाए रैम की, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB मिलने वाले हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले। और दोस्तों, नेक्स्ट इस डिवाइस पे आपको और एक हाइलाइटेड फीचर मिलेगा, जहाँ पे इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा, उसके साथ साथ 44W की फास्ट चार्जिंग भी रहेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके अदर छोटे मोटे फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस डुअल स्पीकर के साथ आने वाला है। हाँ दोस्तों, स्टेरियो स्पीकर के सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों, ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और फन टच ओएस 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो का इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 13,500 है, पर आप आपको मैक्सिमम टाइम 1000 से 1500 तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 12,000 के आसपास आ जाते हैं। वही पे 6GB 128GB का प्राइस है 14,999 और 8GB 128GB का प्राइस है 16,500। सेम डिस्काउंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस आता है मोटोरोला की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस मोटो G34, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो काफी प्यारा सा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलेगा, जो काफी प्रीमियम फील देगा इस डिवाइस को। वहीं पे बात करें फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD प्लस
आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। हाँ दोस्तों 10,000 के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस काफी पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। और मुझे इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात लगी, इस डिवाइस में आपको 13 5G बैंड मिल जाएगा, जो इंडिया की सभी 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों वही पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको स्टीरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो भी इस डिवाइस को काफी यूनिक बनाता है इस प्राइस पॉइंट पे। वही पे बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 वर्जन पे रन होगा, जो भी काफी अच्छी बात है। दोस्तों ये डिवाइस IP53 की रेटिंग के साथ आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे अच्छे मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर, अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो करंट टाइम में इसकी जो प्राइस वो 11,000 रहता है बेस ब्रांड का, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 10,000 आ जाता है। तो 10,000 में काफी अच्छा सा और शानदार सा डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। तो ये डिवाइस होने वाला है पोको की तरफ से, पोको M6 प्लस। तो दोस्तों इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें, तो एक काफी प्रीमियम सा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक डिजाइन। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको ग्लास बैक डिजाइन मिलेगा, रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम होगा। और इसके साथ साथ इस डिवाइस की जो वेट है वो 205 ग्राम होने वाला है। तो डिवाइस थोड़ा सा हैवी है, पर यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिलता है, तो काफी प्रीमियम सा एक लुक देगा, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.79 इंच का फुल HD प्लस लार्ज डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो इस प्राइस पॉइंट में काफी कम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नेट पीक ब्राइटनेस मिलेगा, तो ब्राइटनेस के मामले में ये डिवाइस थोड़ा सा पीछे है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है 1080x2460 पिक्सल रेजोल्यूशन। ग्लास की प्रोटेक्शन पे इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको 5 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ा सा पीछे, पर 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की कैमरा के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108MP का होने वाला है। उसके साथ साथ 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिलेगा, मेन कैमरा से आप 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों कहने को तो यहाँ पे आपको 108MP का कैमरा मिलता है, पर उससे 2K या फिर 4K वीडियो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ सेल्फी कैमरा की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 13MP का एक फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो गया इसकी कैमरा के फीचर, आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 4Gen 2 AE 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है, और इसके एंटूटू स्कोर 4 लाख के ऊपर है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये काफी अच्छा और पावरफुल सा एक डिवाइस है, इस पे आप गेम भी अच्छी तरीके से खेल सकते हो। रैम रोम पे आपको यहाँ पे दो वेरिएंट मिलेगा, 6GB 128GB और 8GB 128GB। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 5030mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है, जहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिलेगा। इस डिवाइस के अदर फीचर की बात करें, तो सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, NFC नहीं मिलेगा, और ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाले है। तो दोस्तों डिवाइस फीचर काफी शानदार है, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इस डिवाइस के आपको दो वेरिएंट मिलने वाला है, 6GB 128GB, जिसके करंट टाइम पे प्राइस 13,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 12,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। और जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 14,500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है।
तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाले ओप्पो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस ओप्पो K12X 5G जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक फ्रेम होगा, प्लास्टिक बैक होगा और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाला है, तो डस्ट और वाटर प्रूफ भी होने वाला है। डिवाइस की वेट 186 ग्राम है तो डिवाइस काफी हल्का होने वाला है, इन हैंड फील एकदम प्रीमियम देने वाला है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले की बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंचेस का HD+ IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पे आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, तो डिस्प्ले काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 nit peak ब्राइटनेस भी मिलेगा तो आउटडोर पे आपको काफी मदद होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको 720x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाला है और दोस्तों यहाँ पे फोन कैमरा आपको 5x मिलेगा। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस के कैमरा के बारे में तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 1080 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिलेगा। बात किया जाए फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जिससे भी आप 1080 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है, काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो और वीडियो आप इससे निकल सकते हो। तो दोस्तों ये तो गए इसके सभी कैमरे के फीचर, आप बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G चिपसेट जो काफी पावरफुल है। इसकी जो एंटीटू स्कोर वो 440,000 से भी ऊपर है तो आप समझ सकते हो यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम प्ले भी कर सकते हो। डिवाइस परफॉर्मेंस वाइज काफी तगड़ी होने वाला है और इस डिवाइस को पावर देने के लिए इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 5100 mAh का लार्ज बैटरी विथ 44W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दिया गया है जो काफी अच्छी बात है। और एक अच्छी बात यह है कि इस डिवाइस के साथ आपको एडाप्टर भी मिलने वाला है। हाँ दोस्तों काफी सारे डिवाइस पे आपको एडाप्टर अभी नहीं मिल रहा है पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रैम रोम पे यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलने वाले हैं और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होगा, 3.5mm जैक मिलेगा और सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिलने वाला है। दोस्तों ये तो गए इसके सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में तो इसकी जो बेस वेरिएंट 6GB 128GB उसके करंट टाइम पे प्राइस 13,000 है पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस 12,000 के आसपास आ जाता है। और वहीं पे जो अदर वेरिएंट है 8GB 256GB उसकी करंट टाइम पे प्राइस 16,000 है वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है IQ की तरफ से IQ G9X जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक मिलेगा, रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। डिवाइस की वेट है 199 ग्राम तो डिवाइस काफी हल्का है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 nit peak brightness भी मिलेगा जो आउटडोर पे आपको काफी मदद करने वाला है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी पैच वन की सबसे काफी शानदार है, सिर्फ डिस्प्ले नहीं उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा भी काफी तगड़ी मिलने वाले। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, मेन कैमरा से आप 4K 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों अंडर 13,000 की डिवाइस में आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। बात किया जाए फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा जिससे भी आप 1080p 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। बात किया जाए डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो डिवाइस काफी पावरफुल है, यहाँ पे आपको मिलने वाले स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट जिसके एंटीटू स्कोर 5,60,000 से भी ज्यादा है तो आप समझ सकते हो परफॉर्मेंस वाइज एक काफी तगड़े डिवाइस है, यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम भी खेल सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000 mAh का लार्ज बैटरी विथ 44W फास्ट चार्जिंग जो अंडर 13,000 में कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देता है। उसके साथ साथ और एक अच्छी बात यह है इस डिवाइस पे आपको IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 14 पर। तो दोस्तों ये तो होगा इसी सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा जहाँ पे बेस वेरिएंट
4GB 128GB का प्राइस होने वाला है 13,000 जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्लान 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट की बात इसकी जो बेस ब्रांड उसके प्राइस अंडर 12,000 पे आ जाता है। तो इस प्राइस में काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। उसके साथ साथ दो अदर वेरिएंट मिलेगा जहाँ पे 6GB 128GB का प्राइस 14,500 है, 8GB 128GB का प्राइस 16,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाइक कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस है सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A15 5G जो एक बजट सेगमेंट की डिवाइस है। तो क्या कुछ फीचर मिलते हैं एक-एक करके जान लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलेगा, रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट पे आपको यू नॉच मिलेगा। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी प्रीमियम है, कैमरा सेटअप की वजह से यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फील देगा। वहीं पे डिवाइस के वेट की बात किया जाए 217 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा हैवी है। तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर इस डिवाइस के हाईलाइटेड फीचर है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जा रहा है जो काफी अच्छी बात है और इंडिया पे एक फर्स्ट टाइम होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से डिवाइस की क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन की साथ। तो दोस्तों आप अगर कंटेंट कंज्यूम के लिए इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो आंख बंद करके इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। उसकी बात करें इस डिवाइस के कैमरा की तो कैमरा सेक्शन भी काफी तगड़ी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पे इस डिवाइस की जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। तो दोस्तों अंडर 12,000 में आपको मैक्रो भी मिलते हैं और वाइड एंगल कैमरा भी मिलते हैं जो काफी अच्छी बात है। अदर्स कोई भी ब्रांड इतने सारे फीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा इस प्राइस पॉइंट पे, तो प्राइस के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है, जैसे कि पता है कैमरा के लिए फेमस है सैमसंग के डिवाइस है, तो आप कैमरा सेंटिंग के लिए भी इस प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस को आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों आप बात कर रहे थे इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। तो दोस्तों ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है जो काफी अच्छी बात है। बात किया जाए इस डिवाइस की रैम रोम की तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा 4GB प्लस 128GB 6GB प्लस 128GB। सिर्फ दोस्तों यही नहीं इस डिवाइस पे आपको और एक हाईलाइटेड फीचर मिलता है जहाँ पे आपको इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है। हाँ दोस्तों 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है जहाँ पे ये डिवाइस 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एक बुरी बात है इस डिवाइस पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो चार्जर को आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस के अदर फीचर की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और One UI 6 पे रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो गए इसके सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस ब्रांड है 4GB प्लस 128GB उसके करंट टाइम पे 13,000 प्राइस है, पर ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस है वो अंडर 12,000 आ जाता है। वहीं पे जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसके करंट टाइम पे प्राइस 14,500। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाइक कर सकते हो, काफी शानदार सा डिवाइस है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme Narzo 60X 5G जो एक 5G बजट डिवाइस है। तो इस डिवाइस पे क्या कुछ मिलते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिलेगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ, वहाँ पे आपको रियर पे राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, दो कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे इस डिवाइस की वेट ओनली 190 ग्राम है जो काफी हल्का है। बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंच
इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी डिवाइस पे प्रोवाइड नहीं करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 निट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा जो आउटडोर पे आपको काफी मदद देने वाला है। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। और दोस्तों इससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट जो एक 5G चिपसेट है। हाँ दोस्तों, ये डिवाइस एक 5G डिवाइस है। और दोस्तों वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरियंट मिलेगा जहाँ पे बेस वेरियंट 4GB प्लस 128GB होगा, उसके साथ साथ एक 6GB प्लस 128GB बड़ा वेरियंट मिल जाएगा। वहीं पे इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विथ 33W फास्ट चार्जिंग जिसकी मदद से 1-50% चार्ज सिर्फ 29 मिनट होने वाले, जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी में इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 रियलमी UI 4.0 पे। इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डुअल नैनो सिम की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो 4GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसके करंट टाइम पे प्राइस 12,000 है। और वहीं पे बात करें 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस अभी 13,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। डिवाइस से लाभा की तरफ से न्यूली लॉन्च लाभा स्ट्रोम 5G जहाँ पे आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज, जो काफी अच्छी बात है। वहीं पे बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों इस डिवाइस की जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम है। आपको सैमसंग की जो प्रीमियम डिवाइस में डिजाइन देखने को मिल जाए, सेम डिजाइन यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो इन हैंड फील आपको काफी अच्छा मिलने वाला है, जहाँ पे आपको ग्लास बैक डिजाइन भी मिल जाएगा और जो कलर है ना वो भी काफी शानदार है। और दोस्तों इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी तगड़ी है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको MediaTek Dimensity 6080 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6nm पे बेस है और जिसके एंटीटो स्कोर 4 लैक के आसपास है। इस प्राइस पॉइंट पे एक काफी अच्छा सा एक प्रोसेसर है, तो इस मोबाइल पे आप गेम भी अच्छी खासी खेल सकते हो। वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो आपको 8GB रैम और 128GB रोम भी मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों वहीं पे बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विथ 33W फास्ट चार्जिंग, जो भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी एक फीचर है। और दोस्तों यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी इंडियन प्राइस है 13,500, पर कोई भी सेल आता है तो इसकी जो प्राइस वो 13,000 के अंदर आ जाता है। और 13,000 में भी एक काफी अच्छा सा एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3 Lite 5G, जो बजट सेगमेंट में काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी लुक एंड डिजाइन के बारे में बात करें, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ। डिवाइस की वेट होने वाला है 185 ग्राम, डिवाइस काफी हल्का है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलने वाले IP64 की रेटिंग भी, तो डिवाइस वाटरप्रूफ भी होने वाला है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.56 इंच का IPS LCD डिस्प्ले जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले है। उसके साथ साथ 840 निट पिक ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको 720x1612 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। तो डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओवरऑल काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको हाई पिक ब्राइटनेस और 90Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो डिस्प्ले काफी स्मूथ होने वाला है, कंटेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होगा ये।
तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिलेगा। मेन कैमरा से आप 1080 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, उससे भी आप 1080p 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी कैमरा के फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है और इसके AnTuTu स्कोर 414,000 से ऊपर है। तो आप समझ सकते हो काफी पावरफुल सा एक बजट डिवाइस होने वाला है। इस डिवाइस पे आप थोड़ी बहुत गेम प्ले भी कर सकते हो। रैम रोम वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 4GB 128GB 6GB 128GB। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है, जहाँ पे 15W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। पर दोस्तों इस डिवाइस के साथ आपको एडाप्टर नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, सिर्फ केबल ही मिलने वाले, एडाप्टर नहीं मिलेगा। एडाप्टर आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। तो ये इस डिवाइस का एक बैकलॉग है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा। डिवाइस एंड्रॉइड 14 पे रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो 4GB 128GB वाला वेरिएंट की प्राइस इंडियन मार्केट पे अभी 10,500 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस वो अंडर 10,000 आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी शानदार सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। उसके साथ साथ 6GB 128GB की जो प्राइस है वो 11,500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिवाइस आता है Realme के न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme C67 5G, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट के एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 600 nit पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा। वहीं पे बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे डुअल कैमरा सेटअप बैक पे मिलेगा और जो बॉडी होगा वो प्लास्टिक का होगा। तो लुकिंग वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा और काफी एक फ्यूचरिस्टिक सा लुक देता है। और दोस्तों वहीं पे बात करें अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे डुअल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30 fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30 fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस्ड है। और दोस्तों यहाँ पे आपको रैम रोम मिलने वाले दो वेरिएंट पे, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB प्लस 128GB होने वाला है, वहीं पे सेकेंड वेरिएंट आपको 6GB प्लस 128GB होगा। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से आप 1-50% चार्ज सिर्फ 30 मिनट पे कर सकते हो। वहीं पे बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है इस डिवाइस पे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको IP53 का रेटिंग भी मिल जाता है, जिसके मदद से ये वाटर और स्वेट और स्प्लैश प्रूफ भी है। ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 13 और रियलमी UI 4.0 पे। तो दोस्तों ये तो हो गया रियलमी C67 की सभी फीचर। आप बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो बेस ब्रांड 4GB प्लस 128GB का नॉर्मल टाइम पे प्राइस 13,000 रहता है, वही पे जो 6GB प्लस 128GB है उसकी प्राइस 14,500 रहता है। पर मैक्सिमम टाइम कोई भी सेल पे यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हो करंट टाइम पे एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड पे 1600 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट की बात इसकी प्राइस 11,400 हो चुका है। तो इस प्राइस पॉइंट पे रियलमी की ए एक 5G डिवाइस काफी अच्छा है। तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हो।